हाय एवरीवन, क्या हाल चाल सभी के। सभी का स्वागत है बेटा नीट अड्डा 247 चैनल पे। आज हमारे साथ रौनक है और इन्होंने नीट 2024 में धमाका मचाया है और ये इस पर्टिकुलर वीडियो में बेटा आप लोगों को गाइड करने वाले हैं। देखिए बेटा, चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जिन्होंने नीट 2024 अच्छा किया है। आप प्लीज उन वीडियोस को पूरा देखिए, अच्छे से समझिए कि यार टीचर ने किस बच्चे ने किस तरीके से पूरे साल भर पढ़ाई करी है, किस तरीके से मेहनत करी है और किस तरीके से उसने अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज अचीव करा है। सबसे पहले यार रौनक से यही पूछते हैं कि उसके कितने नंबर आ रहे हैं नीट 2024 में, एंड फिर वो अपनी पूरी कंप्लीट जर्नी हमको समझाएगा। रौनक कितने नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हो? 679 आ रहे हैं टोटल, ठीक है। और अगर हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करें, केमिस्ट्री में सर मेरे 175 आ रहे हैं, क्या बात है। बायो में 351 बहुत एंड सही। फिजिक्स में 153, ठीक है, बहुत सही यार। तो मतलब बहुत ही अच्छे आपके नंबर आ रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले तो देखो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो पक्का है ना, बड़े शानदार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो बताओ यार, कैसा फील है ये अचीवमेंट वाली फील आ रही है कुछ? सर वो तो सर ऑब्वियस है सर, मेहनत करी है तो सर उसका तो अलग ही सर खुशी होती है सर। बिल्कुल, बहुत मतलब थोड़ा चेकअप मतलब था कि होगा नहीं होगा, पर एंड तक लड़ते रहे तो मतलब हो ही गया आखिर में। राइट राइट, है ना। वो आते हैं ना, देखो जब इतना लंबा फेज होता है, 1 साल की प्रिपरेशन है, 2 साल की प्रिपरेशन है, तो उसमें अप्स भी होते हैं तो उसमें डाउन भी बिल्कुल होते हैं ना, है ना। अच्छा, पेरेंट्स प्राउड फील कर रहे हैं? सर, पेरेंट्स फादर तो बहुत ज्यादा ही मतलब आज किसी से भी मिलते हैं ना तो मतलब बोल सकते हैं कि मेरे बेटे ने भी मतलब नीट के लिए अपियर करा और अच्छे नंबर लाए, बहुत अच्छे, वो भी डॉक्टर बनेगा तो मतलब उनको भी बहुत अच्छा लगता है, पेरेंट्स को भी पूरी फैमिली को मतलब बहुत बढ़िया लगता है। यार मतलब मेहनत मेरी की है फैमिली ना। में मैं पहला ही हूँ मतलब इस फील्ड में, मतलब अभी तक तो सारे इंजीनियर या CA इसी लाइन में, मेडिकल लाइन में, मतलब अभी पहला मैं ही हूँ। अच्छा, अरे वाह यार, बहुत बहुत बधाई हो आपको यार इस बात की, है ना। और पेरेंट्स ऑब्वियसली यार प्राउड फील करते ही, और जो ये इतनी मेहनत आपने, ऑब्वियसली मेहनत, देखो इतने नंबर बिना मेहनत के नहीं आते हैं ना। आपने जो इतनी मेहनत करी है वो रंग लेके आई है ना। लेकिन अब यार थोड़ी सी ये भी बारी है कि जो हमारे जो नीट 2025 के एस्पिरेंट्स हैं, नीट 2026 के एस्पिरेंट्स हैं, उनको भी हम लोग थोड़ा बहुत गाइड करते हुए चले, ठीक है। तो सबसे पहले यार केमिस्ट्री से ही स्टार्ट करते हैं। आपने 175 नंबर आप स्कोर कर रहे हो केमिस्ट्री में, मुझे यार ये बताओ एक नंबर कहाँ, एक एक क्वेश्चन कहाँ गया? ये सर इक्विलिब्रियम में गया है, ये अरे इक्विलिब्रियम यार क्यूसी वाला सवाल था ना उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, कौन सा और वाला? केसी क्यूसी वाला सवाल था ना तो कंसंट्रेशन दे रखे थे तीनों का तो हाँ। गड़बड़ हो गई थी, थोड़ा कंफ्यूज हो गया और गड़बड़ अरे यार वो तो इजी कॉन्सेप्ट था, वहां पे हम गलती कर गए वो था। थोड़ा पैनिक हो गया और थोड़ी गड़बड़। अच्छा, चलो ठीक है, बाकी बाकी सब हमने 100% करेक्ट करा है। केमिस्ट्री में तो सर मैंने मतलब जो 2023 का था ना उसमें मेरे ओनली 80 नंबर थे केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री अच्छा के वजह से ही सिलेक्शन रुका था, और इस साल मैंने उस चीज को ओवरकम करके केमिस्ट्री में 175 तक हो गया। बहुत सही यार, बहुत सही। तो चलो यार यही बता दो फिर, केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करी पूरे साल भर? बस आपको आपने जो बोला कि ये पढ़ना है तो पढ़ना है, ये सवाल करना है तो करना है, नितेश सर ने बोल दिया मतलब करने का करने, बस नीतीश सर को फॉलो करो। मतलब ज्यादा टीचर बदलोगे तो कंफ्यूज होंगे, एक टीचर को पकड़ के चलो तो मतलब एंड तक उनको ही फॉलो करो, और मतलब बहुत अच्छे से सवाल करो, टेस्ट करो, उनका एनालिसिस करो तो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल यार, हम भी यार बच्चों को यही बार बार बोलते हैं कि यार सिंगल टीचर पॉलिसी फॉलो करिए और फिर देखिए कि किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, किस तरीके से नंबर बढ़ेंगे। तो यार 80 नंबर थे 2023 में और हमने डबल से भी ज्यादा का इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं, 175 हम लोग नंबर लेके आए हैं ना। तो यार बहुत ही शानदार नंबर है आपके, ठीक है। एक थोड़ा सा स्पेसिफिक चलते हैं अब, है ना, ये मुझे बताओ फिजिकल केमिस्ट्री कैसे पढ़ाई करी? फिजिकल केमिस्ट्री सर देगा, पहले तो थ्योरी कर लो, थ्योरी करने के बाद उनके PYQ कर लो, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लो, उसके ठीक है, बाद जो आप DPP देते थे उन DPP को कर लो, फिर एंड में धीरे धीरे मैजिक DPP आपने दी थी उनको हाँ। करो, और फिर शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते जाओ, फॉर्मूलों को करते जाओ तो सर हो जाता है सब। मतलब PYQ पे थोड़ा मतलब ज्यादा फोकस रखने का, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न मतलब लगभग वैसा ही रहता है, थोड़ा बहुत चेंजेस आता है, पर बिल्कुल PYQ और मतलब जो क्वेश्चन आप लोग टीचर से देते हो वो तो बेस्ट ही होते हैं, उनको करो वो है। अच्छा यार, मुझे खुद को इतना अच्छा फील होता है कि यार जब आप लोगों के ऐसे इंटरव्यूज लेते हैं, और यार मैं हम तो यार हम यही चाहते हैं कि यार अगले साल जो बच्चा अभी ये वीडियो देख रहा है ना, वो भी इतनी ही मेहनत करे और अगले साल वो भी आपके जैसे ही हमारे साथ इंटरव्यू दे, राइट।
तो ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोगों ने अच्छी तरीके से PYQs करे, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान लगाया, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस तरीके से पढ़ी है? इनऑर्गेनिक में सर एक तो सर जो आप लेक्चर्स लेते थे उनको पढ़ लो, उसके बाद देखो एनसीईआरटी को पढ़ लो अच्छे से। बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जाओ तो शॉर्ट नोट्स बना लो उनके, और जो मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स होते हैं ना, पॉइंटर्स को मार्क करके उनको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करते रहो करते रहो। और मतलब एंड पे आने के बाद थोड़ा मतलब वन शॉट भी देख सकते हो मतलब कैसा। बिल्कुल है ना। तो यार ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ऑब्वियसली एनसीईआरटी है ना। एनसीईआरटी अब जो टीचर भी अपने नोट्स पढ़ा रहा है वो अगर कहीं पे भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी जा रहा है तो वो ज्यादा एनसीईआरटी में ही पॉइंट लिख लेना पॉइंट चाहिए एक जाता है, ही जगह। यही एक्सपीरियंस टीचर का ऐसा ही होता है सर। और यस बहुत आप तो सर बहुत मदद करी है, इनऑर्गेनिक की वजह से मेरे पिछले साल तो कम नंबर आए थे इस अच्छा सर। हाँ इनऑर्गेनिक में तो बहुत ज्यादा कम नंबर आए थे। अच्छा इस बार फोड़ दिया है। अच्छा और कितनी बार एनसीईआरटी पढ़ ली थी यार? एनसीईआरटी सर देखा जाए तो केमिस्ट्री की तो भी कम पढ़ी थी, बायो की बहुत ज्यादा पढ़ी थी। केमिस्ट्री में ज्यादा नहीं पढ़ी, सही में 2 बार पढ़ी होगी, ज्यादा नहीं पढ़ी। अच्छा बहुत सही बायो यार, बायो बायो अच्छी खासी पढ़ी। बायो अच्छी खासी पढ़ी थी, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ा यार? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो सर ये ऑर्गेनिक के चार्ट्स होते हैं ना, रिएक्शन के उनके रिएजेंट के प्रॉपर मतलब फ्लो चार्ट बना लो, रेगुलर बेसिस पे उनको रिवाइज करते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दो, टेस्ट दो, उनका प्रॉपर एनालिसिस करो और ऐसे सर इस पीवाई तरीके, करो। ठीक है। तो ना देखो देखो हम बच्चों यही एक चीज बोलते हैं कि यार जो प्रोसेस है वो बहुत बहुत सिंपल है। आपको बेटा रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है, टीचर बोल रहा है कि यार ये DPP लगा लो तो वो DPP लगा देनी है आपको, टीचर बोल रहा है PYQ कर लो तो PYQ कर लो, मॉक टेस्ट देना है तो मॉक टेस्ट दे दो, है ना। जैसे जैसे टीचर बोलते हुए चले वो आपको गाइड करते हुए चलेगा, लेकिन आपको वो करना है। डिफिकल्ट पोर्शन क्या है? डिफिकल्ट पोर्शन ये है कि इसी सेम चीज को हम लोग को 10 महीने के लिए रिपीट करना है ना, कंसिस्टेंसी क्या है ना। तो आपके साथ भी यार रौनक ऐसा हुआ होगा कि यार कभी कभी बैकलॉग क्रिएट हो गया, कभी हम सही है लोग, सर, है ना, ये जर्नी है। यस, तो उसको कैसे कोप अप करा आपने? बस थोड़ा पॉजिटिव रहना रहता है उस समय में, मतलब पॉजिटिव रहो और धीरे धीरे करते रहो। एकदम से अपन उस चीज का स्ट्रेस ले लेंगे कि मेरा बहुत सारा बैकलॉग हो गया है, तो आगे और इकट्ठा हो जाएगा बैकलॉग। धीरे बिल्कुल धीरे उसको मतलब कवर करते रहो, जो क्लासेस चल रही है उनको तो करो, 1-2 घंटे एक्स्ट्रा निकाल के दिन में उनको करते रहोगे तो हो जाएगा बैकलॉग भी। थोड़ा यस यस मतलब खुद को उस समय खुद को पुश करना रहेगा, पर कर लेंगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो बैकलॉग बैकलॉग हुआ ना आपके, है ना। और आपने बैकलॉग तो होता सर ही है ना, ऑब्वियसली ये तो सत्य सत्य है ये तो। है। और उसमें जो एक्स्ट्रा हमारे ऑफ डेज होते हैं उसमें हम लोगों ने कहीं ना कहीं पे हाँ कवर करा, राइट, बिल्कुल सर, है ना। अच्छा ठीक है, तो इस तरीके से बैकलॉग। अच्छा सोशल मीडिया यूज सोशल करते मीडिया तो सर थोड़ा थोड़ा तो करना ही पड़ता है, थोड़ा थे? पड़ता है जिंदगी आजकल की जिंदगी में, करना ही पड़ता है ऐसा ऐसा। में करने पड़ता है सर थोड़ा। तो कौन कौन सी ऐप पे थे? मैं तो सब चला रहा था सर, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप बेसिकली चला रहा था। थोड़ा अच्छा बहुत तो सर ऐसा वो अपन पे डिपेंड करता है, मिस यूज अपन करेंगे मतलब दिन में पूरे दिन चलाएंगे तो गलत बात है। अपन अपना टाइमर लगा के कर लो कि बस 15 मिनट चलाना है, 20 मिनट चलाना है, उतना चलता है, फिर पूरे दिन अपन चलाए तो गलत बात भी है। सही बात। वो थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन वाली बात है, थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन से चलाएंगे तो ठीक रहेगा। ऐसा नहीं कि सुबह उठे तो हाँ आधा सुबह घंटा स्क्रॉल उठते कर रहे हैं, वो सोने से फिर पहले भी 1 घंटा वो सर खुद देख। को ही धोखा देने वाली बात होगी, वो तो कहने वाली बात होगी मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तुम ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे तो फिर गलत। सही बात है, जब जब सपना इतना बड़ा ले लिया है कि यार डॉक्टर बनना है तो ऑब्वियसली उसके लिए सैक्रिफाइसेस तो चलेंगे ही, है ना, सैक्रिफाइसेस करने ही पड़ेंगे हमको, है ना। और जैसे आप बोल रहे हो सेल्फ डिसिप्लिन, है ना। तो अच्छा अप्स एंड डाउन आए, मॉक टेस्ट दिए आपने, कितने मॉक टेस्ट दिए? मॉक टेस्ट सर एनएटीएस मैंने पूरी करी थी। एनएटीएस पूरी एनएटीएस करी, करने के बाद मैंने मतलब वो AYNR आया था वो यस करे थे, उससे तो सर बहुत बेनिफिट मिला। मतलब AYNR में मेरे फर्स्ट वाला था उसमें मेरी 5th या 6th ऐसे कुछ रैंक थी, मतलब वो रियलिटी चेक था कुल मिला के। अगर बिल्कुल बिल्कुल मतलब सटीक एकदम मतलब नीट रिलेटेड क्वेश्चन थे, मतलब वो हाँ कर लिया तो उससे तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारे नीट में उससे 10-15 नंबर कम या ऐसे ज्यादा ही रहेंगे, मतलब वैसे ही हाँ रहता आसपास ही है रहोगे आसपास, मार्क्स। बिल्कुल एकदम सटीक। तो आपने NATS के, जैसे हम लोगों ने NATS में लगभग लगभग आपको 4,000 क्वेश्चन दिए थे, तो आपने हाँ 4,000 क्वेश्चन कर लिए थे। मतलब हाँ सर करे थे, फिर उनका प्रॉपर एनालिसिस करके जो अपन ने गलतियां करी उनको देखना बहुत जरूरी है, करना ही नहीं सर उनको चेक करना बहुत जरूरी है जो गलत हुआ अपन को। तो अगर उनको स्किप कर देंगे अपन तो फिर देने का टेस्ट का मतलब ही क्या है, गलतियां सीखने के लिए टेस्ट देते हैं। ट्रू 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 बिल्कुल सही। तो जैसे सपोज करो आपने 3 घंटे 20 मिनट का टेस्ट दिया, अब बिल्कुल उसके बाद हम उसकी एनालिसिस कर रहे हैं, तो कितना टाइम आप एनालिसिस में लगाते थे? एनालिसिस सर अगर प्रॉपर देखा जाए तो 1.5 से 2 घंटे भी लग जाते हैं कभी कभी, कभी
कभी कभी थोड़ा कम भी लग जाता है, अगर सिली मिस्टेक होती है तो फटाफट पता चल जाता है, अगर कोई मेजर मिस्टेक होती है तो उसको एनसीईआरटी के गो थ्रू भी करना पड़ता है अपन को कि अपनी कौन सी लाइन मिस हो गई, जो अपन ने सवाल गलत कर दिया, राइट, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता था। बाकी यार काफी तगड़ी प्रिपरेशन करी है, मतलब है ना, तभी 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 इतने शानदार नंबर हमारे आए हैं। तो ऐसे ये बताओ यार, लास्ट मॉक टेस्ट में कितने नंबर थे? लास्ट मॉक टेस्ट में मेरे थे 667, 667 है, और उससे ज्यादा ही आए हमारे, है ना, 679 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना। बिल्कुल हाँ, तो यार ये है ना, मैं बच्चों आप सबको ही ट्रेंड बताना चाहूंगा। आप देखोगे ना, जितने भी टॉपर इंटरव्यूज देखोगे, तो सबसे पहले तो उन्होंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए हैं ना, जैसे कि रौनक बता रहा है, उसने खूब सारे मॉक टेस्ट दिए, पूरी एनईटीएस सॉल्व कर ली, एवीएनआर भी दिया, और भी मॉक टेस्ट उसने दिए, ठीक है। अब आप ये नोटिस करिएगा, और रौनक जिस भी बच्चे से इंटरव्यू लिया है ना, उस सब बच्चे ने यही बोला है कि जैसे सपोज करो उसके लास्ट मॉक टेस्ट में 666 है, 666 मार्क्स है, उसके नीट के एग्जामिनेशन में 685 नंबर आ रहे हैं, आपके भी 667 नंबर आ रहे हैं लास्ट मॉक टेस्ट में, और आपने भी 10-15 नंबर ऊपर ही गए हो नीट के एग्जामिनेशन में, है ना। तो इसी तरीके से होता है, क्योंकि हम लोग हम बच्चे को बार बार यही बोलते हैं कि यार जितनी गलतियां करनी है भाई, नीट एग्जाम से से पहले कर ले। पहले कर ले, है ना, है ना, जितने मॉक टेस्ट देने हैं उसमें जो गलतियां करनी है वो कर ले, ताकि जो फाइनल मैच हो, है ना, जैसे इंडिया यार फाइनल हार गई तो कितना कितना गम हुआ था हमें, है ना, तो हमको ये फाइनल नहीं हारना था, है ना, और उसके लिए हम लोगों ने मेहनत भी करी, राइट। तो कभी यार ऐसा हुआ कि मॉक टेस्ट दे रहे हैं और बहुत ही खराब हो गया मॉक टेस्ट, एकदम डीमोटिवेट हो गया, ऐसा हुआ फेज में? बहुत बार हुआ है सर, मतलब जैसे कोई पर्टिकुलर चैप्टर एक या दो चैप्टर का होता था और वही चैप्टर अपन को नहीं आता हो तो फिर ऑब्वियस है नंबर कम आना है, तो उससे सर अपन डीमोटिवेट होने से बढ़िया है कि अपन चीज सीख ले कि क्या गलती हुई है अपनी, तो वो बेटर रहेगा। डीमोटिवेट होने से तो अगले आने वाले 2 दिन भी खराब होंगे सर, बिल्कुल तो उन सब चीजों को मतलब थोड़ा लगता तो है कि नंबर कम आ गए क्या होगा क्या नहीं होगा, पर थोड़ा ओवरकम करके आगे बढ़ना सर जरूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी सर। हाँ, तो मतलब उसके भी प्रॉपर एनालिसिस कर, उससे भी सीखा, है ना। सीखना क्या सर, हाँ, डीमोटिवेट होंगे आप थोड़ी देर में, आप दुख भी बिल्कुल लगेगा कि यार ये एकदम से क्या हो गया, है ना, लेकिन बिल्कुल कहीं ना कहीं पे आपको उसके एनालिसिस करनी है, उसको देखना है कि यार कहाँ पे मैंने गलती करी, और ये गलती मैं नेक्स्ट टेस्ट में नहीं करूँ, उस राइट। पॉइंट ऑफ टाइम में सर खुद को मोटिवेटेड रखना बहुत जरूरी है, उस समय अगर अपन हार मान जाएंगे कंटिन्यूअसली भी 2-3 पेपर में अगर लगातार भी कम नंबर आ जाता है तो बच्चा हार जाता है, मैं ये बोलना चाहूंगा कि उस समय खुद को थोड़ा मतलब अच्छे से रखोगे तो मतलब आगे बढ़ते रहने का ऐसे। बिल्कुल। तो यार ये बताओ ना यार, मिनिमम मॉक टेस्ट में कितने नंबर आए थे? ठीक मिनिमम सर मेरी स्टार्टिंग हुई थी 520 से है, हार्ट टेस्ट में, और उसके बाद सर धीरे धीरे 550, 560, फिर प्रॉपर एनालिसिस करता गया तो धीरे धीरे नंबर बढ़े और एंड में 667। क्या बात है यार, क्या बात है। अच्छा, और जैसे यार ये लंबा फेज रहता है ना, 1 साल पढ़ रहे हैं, 2 साल पढ़ रहे हैं, तो इसमें स्ट्रेस एंजाइटी आई होगी, जरूर आई होगी, तो बिल्कुल सर इसको कैसे डील करा? सर टीवी था रिफ्रेशमेंट के लिए, तारक मेहता को उल्टा चश्मा देख लेते थे, अरे जेठालाल वाह वाह वाह, जेठालाल, कौन से तो सर फेवरेट करेक्टर है, फेवरेट जेठालाल ही है सर, और बबीता? बबीता तो जेठालाल की फेवरेट है सर। तारक बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो तारक मेहता को उल्टा चश्मा देखते थे, और मेहता का देख लेते थे, फिर थोड़ी देर मतलब हमारी मतलब जॉइंट फैमिली है तो पास में हमारा मतलब छोटा बाबू रहता है मतलब भैया का लड़का है, तो उसके साथ थोड़ी देर खेल लिया, फ्रेंड सर्कल था तो थोड़ी देर उनके साथ बैठते थे बात बात करते, तो थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाता तो फ्रेंड्स खेल फ्रेंड्स लेते। नहीं बोलते थे क्या है यार, पढ़ता रहता है, चल हमारे साथ घूमने? नहीं सर फ्रेंड सर मेरे मतलब मोटिवेट ही करते थे, उनको लगता था कि ये कर सकता तो मेरे को मोटिवेटेड ही रखते थे सर, बढ़िया बढ़िया फ्रेंड सर्कल मिला है मतलब, बढ़िया है फ्रेंड बचपन से अरे सर साथ में और अभी तक साथ। क्या बात है, बहुत सही बहुत सही। तो यार एक लास्ट मैसेज बता दो यार हमारे जो 2000, खास करके 2025 वाले ना, 2026 वालों के लिए भी ये बिल्कुल इंटरव्यू है, लेकिन 2025 वाले देखो इनके साथ क्या होता है ना। अच्छा, मेजर इशू ये आता है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर अभी कुछ टाइम पहले ही हम नीट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे थे, अब हमको ड्रॉप लेना पड़ रहा है, अब हम 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कहीं पे वो एक तो डीमोटिवेशन आता है, और वो एक आता है कि यार 1 साल में वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ, तो सर इस अपन अपन ने ड्रीम बड़ा करा है तो एक आधे साल मायने नहीं रखता है सर, तो अगर जितना आप जल्दी स्टार्ट कर लोगे उतना जल्दी तुम्हारा कोर्स हो जाएगा और उतने ज्यादा तुम मॉक टेस्ट दे पाओगे, बिल्कुल मॉक टेस्ट जितनी तुम मॉक टेस्ट की ज्यादा फ्रीक्वेंसी रखोगे उतना ही तुम्हारा अच्छा उस समय मतलब एक्यूरेसी रहेगी और टाइमिंग का रहेगा, तो यही बोलना चाहूंगा कि मॉक टेस्ट पे कृपया करके ज्यादा ध्यान दे बच्चे, और जो टीचर बोलता है वही करे,
एक टीचर को मतलब बच्चे क्या करते हैं सर, बार बार टीचर बदलते रहते हैं, एक चैप्टर के लिए किसी और टीचर को देख लिया, किसी एक चैप्टर के लिए किसी और को देख लिया, तो ये सर गलत हो जाता है। हर टीचर का पढ़ाने का सर तरीका अलग अलग होता है, तो एक टीचर की पॉलिसी को फॉलो करें और जो टीचर बोलता है वो तो करना ही करना है। अगर टीचर ने 5 स्टेप बताए, तुम 4 भी करते हो तो तुम वो एक छोड़ रहे हो, वो गलत है, जो बिल्कुल टीचर बिल्कुल बोल रहा है वो करना है। यार, मैं पर्सनली बताऊं, मैंने बहुत सारे अभी इंटरव्यूज लिए, लेकिन यार मेरे को आपसे बात करके बड़ा मजा आया है ना, क्योंकि जो क्लियरिटी ऑफ थॉट है ना कि भैया ये करना है तो ये ही करना है, ठीक है ना, टेस्ट देना है तो टेस्ट ही देना है, ठीक है, टीचर ने बोल दिया डीपीपी करनी है तो डीपीपी ही करनी है, ठीक है, डाउट नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है ना कि यार उस टीचर ने वो बोला था क्या, उसको फॉलो कर लूंगे, नहीं, एक टीचर पकड़ लिया। मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा, सारे टीचर बढ़िया होते हैं, एक टीचर पकड़िए लेकिन उनको ही एंड तक फॉलो करिए, है ना, वो आपका आपसे बेहतर जानते हैं, उनको एक्सपीरियंस है, और वो आपका सिलेक्शन अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका सिलेक्शन भी वो करवा देंगे, राइट, ठीक है। तो अभी यार अभी क्या शेड्यूल चल रहा है रौनक? सर आराम से उठते हैं कितने बजे उठते हैं? सर 9-10 बजे तक आराम से उठते हैं। घर वाले भी अब तो सर फोर्स नहीं करते, बोलते सो आराम आराम से, कोई टेंशन नहीं। से सोए हैं, तुमने वैसे ही दूध फोड़ लिया है, फिर उठ के क्या करते हैं हम? सही, उठने के बाद आराम से अब तो फुल इंस्टाग्राम चलाते हैं, रील रीले स्क्रॉल करते हैं अच्छे से, इसलिए देख रहे हैं अब तो, है अब तो फुल सही देखते हैं। इसके बाद सर फ्रेश व्रेश होके फिर थोड़ा हाँ काम वाम कर लेते, पापा की शॉप है, पापा के हेल्प करने थोड़ी देर चले जाते हैं शॉप पे, ठीक है, बहुत बढ़िया, फिर दोपहर में फिर सो जाते हैं। फिर सो जाते हैं, क्या ही दिक्कत है, फिर सो जाएंगे, खाए पिए, ईट स्लीप रिपीट, फिर शाम को दोस्तों के साथ चले जाते हैं, तफरी मारने हैं, फिर खाना खा के फिर से सो जाते हैं। फिर से सो जाते हैं। अरे वाह, ये होता है जीवन नीड क्रैक करने के बाद, है ना, लेकिन उसके लिए कड़ी तपस्या करने मेहनत के पहले है ना। करते चलो यार, ऑल द वेरी बेस्ट रौनक, है ना, आपको बेस्ट विशेस, आपको जो भी हेल्प चाहिए, है ना, अभी काउंसलिंग आएगी यार, है ना, जून के 3rd वीक से मोस्टली स्टार्ट हो जाएगी काउंसलिंग, आपको जो भी हेल्प चाहिए, कंपनी आपके साथ है ना, मैं आपके साथ हूँ, आपकी टीम आपके साथ है, ठीक है, आपको जो भी हेल्प चाहिए आप हमें रीच आउट करिए, है ना, हम भी आपको रीच आउट करेंगे, ठीक है, और अच्छे से आपको जो बेस्ट कॉलेज हो सकता है वो दिलाने में हम अपनी हेल्प करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, राइट, ठीक है। बाकी बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके, ऐसे ही बेटा कॉलेज में जाओ और ऐसे ही खूब सारी मेहनत करो, और यार जो अपना पेरेंट्स हैं उनको प्राउड फील करवाओ यार, और हमको तो ऑब्वियसली आपने कराया ही है प्राउड फील, है ना, सो थैंक यू रौनक यार, बहुत ज्यादा अच्छा लगा, है ना, आई होप यार आप सभी बच्चों भी जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा, ऐसे वीडियोस देख के बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, कोई भी बेटा डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, है ना, वो भी आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भी कहीं ना कहीं पे आपके क्वेश्चंस ले लिए जाएंगे, ठीक है, चलिए अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, खूब सारी मेहनत करिए, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।